ओए टिप्सन यारो, तुम लोगों को मालूम है मेरे पास एक कमाल की न्यू अपडेट है यार। ओए रुक जा, गाड़ी वाले कतई उतर, जल्दी से उतर यार, मेरे को एक बहुत अर्जेंट काम है भैया, निकल जा जल्दी से। टिप्सन अबे बेरा इंसान, मेरी बात सुन ले यार, तेरे को कतई पुंगी बज जाएगी अगर तूने मेरी बात सुन ली तो। टिप्सन ओ शिट, टिप्सन की टाइफस हो गई। भाग रो पियो भाग, इससे पहले टिप्सन अगर देख लेगा ना तेरे को, कतई तेरी टाटा फिस कर देगा, तेरी न्यू अपडेट की कतई चौका चूमा निकाल देगा। टिप्सन अब ठीक है, सिटिया जी पुलिस पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाती है हमेशा मेरे। टिप्सन ओए टिप्सन, टिप्सन अबे रो पियो, तू मार के गया था मेरे को। मैं अबे नहीं यार, वो पुलिस वाले लग रहे हैं, ये पुलिस वाले हमेशा किसी ना किसी को मार के जाते हैं। अबे मार इनको, तूने मेरे बहुत जोरों की मारा का तेरी पैर में लग गई। छोड़ यार, तेरे को मालूम है मैं यहाँ पर क्यों आया? मेरे शॉप पर एक न्यू अपडेट है यार, मैं तेरे को दिखाता हूँ, कतई यहीं पर कहीं पर होगी। ये देख, टॉयलेट मॉन्स्टर मेरी शॉप पर आया है यार। टिप्सन खुद सोच, अबे मैं धो के आया हूँ। मेरा मतलब यार, तू टिप्सन खुद सोच, अगर टॉयलेट मॉन्स्टर मेरे पास आ गया तो उस डेमोन का क्या हाल करेगा, कतई उस ईविल हल्क का क्या हाल करेगा, कतई उन सब का क्या हाल करेगा जो बाइस टाउन की पुंगी बजाने में लगे रहते हैं, उस डेंजरस विलन और सबकी पुंगी बजाने का। बता टिप्सन कैसा लगा मेरा प्ले? टिप्सन ओ एक मिनट, किधर आ गया मैं? टिप्सन उधर है। अबे टिप्सन किधर चला जाता है? मैं तू कुछ तो चला गया था। टिप्सन तू एक काम कर, तू यहीं पर रुक, मैं ना इस न्यू अपडेट को अनलॉक करके आता हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ कतई स्पीकर मैन और सिक्योरिटी टॉयलेट के पास। यारो हम लोग ना स्पीकर मैन और सिक्योरिटी टॉयलेट के पास चलते हैं, क्योंकि वो ही बता सकते हैं कि ये या जो रुक लग गई टॉयलेट मॉन्स्टर मेरे को किधर मिल सकता है। ओए रुक जा गाड़ी वाले, ओह ये तो मेरी गाड़ी थी जिससे मैंने ठोका था टिप्सन को, कतई जोरों की लग गई उसके, कतई बहुत मारता मेरे को, सुअरों की तरह मारता वो, पर अच्छा हुआ मैंने कतई पुलिस वालों का नाम लगा दिया, कतई बच गया वरना मेरी ढक चुकी हो जाती। आ रहा हूँ यारो, चलो यार फटाफट से चलते हैं अपन लोग कसिनो, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो वो सिक्योरिटी टॉयलेट और वो स्पीकर मैन दोनों के दोनों कसिनो में ही है। ओ यार ये कार को क्या हो गया? अबे रुक यार, अबे ये ब्रेक ना लग रहे इस कार के, शिट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे रुक जा, ओ शिट, अबे अब क्या होगा, ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तो मेरी ढक चुकी करते का, और इस गाड़ी को भी यहीं पर रुकना था, इतनी देर से रुकना रही थी और यहीं पर रुक गई। अब पागल ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, अबे यार एक तो ये पुलिस वाले कते ही परेशान कर रहे हैं मेरे को। अबे छोड़ दो यार, मेरी तो कोई गलती भी ना थी यार, निकल जाओ इधर से वरना बहुत पिटोगे तुम लोग, कते ही रोबोट पे फेंक के मारता हूँ यार। इस रोबोट का तो कुछ बिगड़ ही ना रहा, अब करूँ तो करूँ क्या मैं? अबे क्या करूँ, कोई मेरे को कुछ राय तो बताओ। एक काम करता हूँ, ये गाड़ी भी ऊपर फेंक देता हूँ, ऊपर इसको फेंकने से तो कोई फायदा ही ना हो रहा है। अबे एक मिनट, कसिनो किधर चला गया? रुको यारो, कसिनो जाने से पहले मेरे को इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर की पुंगी बजानी पड़ेगी, इसको हिलने लगाना पड़ेगा, पर कैसे लगाऊँ यार, यहाँ पर तो बहुत सारी पुलिस भी आ चुकी है। अब यार इसने मेरी रोप तोड़ दी। अब यार एक तो ये रोबोट भी आ गया, कतई कितने सारे रोबोट आ गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब तो यारों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कतई ये समुद्र। अब मैं ना इन सारे के सारे रोबोटों को कतई इस पानी में डाल दूंगा। आ जा घटिया ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, तुम सब आ जाओ कतई पानी के अंदर। ये पुलिस वाले का चूतिया थे जो कि पानी के अंदर आ गए जब इनको तैरना ही ना आता है। कहते बाइस टाउन में लोग भरे पड़े हैं। एक मिनट, वो मेरे जो सर के ऊपर नाच रहा था ये, इसको भी पानी में गिरा देता हूँ। ये भी गया कतई पानी में, निकलेगा तो ना? ये तो गए कतई, इनकी टाइटाई हो गई फिर। अब फटाफट से मैं निकल लेता हूँ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं सीधा रुकूँगा कसिनो पे, क्योंकि कसिनो पे ही मेरे को मिलेंगे सिक्योरिटी टॉयलेट और स्पीकर मैन। अबे मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, कसिनो तो कतई बहुत दूर है अभी। कतई जल्दी जल्दी अपनी रोप फेंकता हूँ इससे पहले पुलिस वाले और रोबोट आ जाए, कतई मेरी टाइटाई फिर से कर दे, उससे पहले यहाँ से भागना ही बेहतर रहेगा मेरा। सिक्योरिटी टॉयलेट है क्या तू इस कसिनो के अंदर? वैसे कसिनो के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि कल तो मैं उसे यहीं पर छोड़ के गया था। सिक्योरिटी टॉयलेट स्पीकर मैन, अबे यार कोई मेरे को आवाज़ भी तो ना दे रहा है और कतई फ़ोन भी ना उठा रहा है कोई भी बंदा मेरा। कोई ना, इन लोगों को तो बाद में देखूंगा। वो देखो यार कतई यहीं पर रहता है वो सिक्योरिटी टॉयलेट और स्पीकर मैन, दोनों के दोनों इधर ही रहते हैं। उन दोनों को मालूम होगा कि मॉन्स्टर टॉयलेट कैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ बाहर, कैसे अनलॉक कर सकता हूँ। सिक्योरिटी टॉयलेट स्पीकर मैन, तुम लोगों को मालूम है मेरे पास न्यू अपडेट आई है मॉन्स्टर टॉयलेट की, तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि कैसे मैं इसको क्या? अबे यार
ये तो बहुत बेकार खबर है, मेरे को जाना पड़ेगा। तुम लोगों को मालूम है इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा कि रोपिरो ये मॉन्स्टर टॉयलेट है ना, पहले बहुत ज़्यादा बुरा था, ईविल हल्क से भी ज़्यादा बुरा, इसलिए उस आयरन मैन ने इस मॉन्स्टर टॉयलेट को कतई उन ज़ॉम्बीज़ों को दे दिया। अगर मेरे को ये मॉन्स्टर टॉयलेट चाहिए तो मेरे को फटाफट से उन ज़ॉम्बीज़ों के पास जाना पड़ेगा। चलो यार कतई बोट से जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा यार। पर आयरन मैन को मेरे को देना चाहिए था इस न्यू अपडेट को, उसने उन ज़ॉम्बीज़ों को क्यों दे दिया? अरे यार आयरन मैन भी कतई कभी कभी चूटियों वाले काम करता है थोड़ा सा। आयरन मैन, अरे आयरन मैन को छोड़ो यार, अपन लोग अपना मिशन पूरा करते हैं और जल्दी से लेकर आते हैं उस मॉन्स्टर टॉयलेट को। कतई मॉन्स्टर टॉयलेट अगर मिल गया, टॉयलेट मॉन्स्टर मुझे मिल गया तो कतई मजे ही आ जाएंगे यार। वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कतई सबकी टाइट फिक्स कर देगा। चलो यार जल्दी से हम लोग चलते हैं इस सिनेमा हॉल की बिल्डिंग के अंदर और लेकर आते हैं मॉन्स्टर टॉयलेट। अबे यार ये सिनेमा हॉल की बिल्डिंग यार कितनी बड़ी है, कतई मेरे को तो रास्ता भी ना मालूम किधर से किधर जाना है। नीचे ना गिरना यार बस। अबे यार नीचे भी गिर गया मैं, कतई मेरी ज़िंदगी की ऐसे कम तैसी हो रखी है। ये देखो मेन गेट है पर मैं कैसे जाऊँ? अबे रोप रुक जा यार, कतई मैं भागता रह रहा हूँ, कितना भागूंगा, बस कर यार। आखिरकार मैं पहुँच गया। अबे ज़ॉम्बीज़ो तुम्हारी ऐसे कम तैसी, इतनी भयंकर बिल्डिंग बनवाई कितने इन ज़ॉम्बीज़ो के लिए? ज़ॉम्बीज़ो मैं आ रहा हूँ कतई। रो पीरो। ये कौन है? आयरन मैन, तू पागल हो गया क्या? मैंने उसे इतनी मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज़ों के हवाले किया है, अगर वो मॉन्स्टर टॉयलेट वापस से आ गया 5 स्टोन में तो सब कुछ तबाह कर देगा। वो ईविल हल्क से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। क्या कह रहा है यार, मेरी न्यू अपडेट कभी किसी को हजम होती ही ना है यार। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोगों को मालूम है न्यू अपडेट के रूप में आयरन मैन ने मेरे को एक मस्त गन दी है, ये वाली गन। मैं बताता हूँ इससे होता क्या है। सबसे पहले नंबर तो कोई भी एक आदमी को ढूंढ लेते हैं अपन लोग, जैसे कि ये है चिंपांजी, और इसको देखो यार कतई ये नाचने लगा। इस गन से ना कोई भी इंसान नाचने लगता है, कतई कुछ भी कर लो उसके साथ उसे कुछ होती ना रहता है। और सिर्फ ये गन ना इंसानों पर नहीं, किसी भी ट्रक गाड़ी या फिर किसी पर भी काम कर सकती है। ये देखो ये वैन भी नाचने लगी, कतई मस्त है ना ये जुगाड़। और भी मैं तुम लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि वो देखो सामने पुलिस वाले आ रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। ओए बंदे आ गया, गया 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 टिप्सन टिप्सन रुक, कतई टिप्सन को नचवाता हूँ। ये ले नाच, वाह बर्दी में चमक चल लो, क्या मस्त लग रहा है ना टिप्सन नाचते हुए। कतई वाकई में टिप्सन, अबे ज़ॉम्बीज़ो के पास कहाँ जा रहा है, पागल हो गया क्या? ज़ॉम्बीज़ो के पास मत जा। अबे टिप्सन ये तो यहीं पर रुक गया, भाग गया। अबे टिप्सन पागल हो गया क्या? वो ये तो मस्त नाच रहे हैं यार, ये पुलिस वालों को भी नचाता हूँ मैं। वैसे यार ये नाचना नचाना तो लगा ही रहेगा। तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो कतई थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। और कतई कासगंज भाई वाले चैनल पर जाओ, कतई वहाँ पर भी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देखो ठीक है ना। तो गुड डे आरो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आरो। और इन वीडियो को ज़रूर देखियो क्योंकि ये वीडियो भी तुम्हारी है यार, ठीक है ना। गुड डे, बाय बाय, शेयर कर दियो बस।